में लेकर आया हूँ कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होगी। आपने जैसा देखा होगा कि जैसे हमने मैथ के सीरीज चालू करी थी, उसमें कई चैप्टर मैंने अपने चैनल पर पढ़ा है, जैसा आप देख भी सकते हैं और आप सीख भी रहोगे बहुत सारा, लेकिन बीच में कुछ कारण से वीडियोज कंटिन्यू नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब सब कुछ फिक्स हो गया, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से या कुछ सर्वर लोड की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब कंटिन्यू वीडियोस रहेंगे। और आज हम डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एससी का पीटी का सिलेबस, यानी उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन का, सिलेक्शन कमीशन का सिलेबस, जिसमें आपको बहुत कम पढ़ना है। मैथमेटिक्स के मैंने ऑलरेडी इसमें कुछ वीडियो डाल रखे, आप उतना पढ़ लीजिए और जितना आ रहा है केवल उतना ही पढ़िए। इसमें ज़्यादा सिलेबस नहीं है, लेकिन खूब सारे चैप्टरों का पूछा जा रहा है, जैसे कि सब कुछ पूछा जाएगा, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक, और आपको सब उसको थोड़ा थोड़ा देखना है। इसमें ज़्यादा मार्क्स कंटेनिंग नहीं है, लेकिन जितना है सब उतना पढ़ना है। मैथ सिर्फ 5 मार्क्स की आ रही है, यानी आपको ज़्यादा उसमें नहीं पढ़ना है, सिलेक्टेड पढ़ना है, और कितना पढ़ना है इस सब वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि यूपी पीटी का, यूपी ट्रिपल एससी पीटी का सिलेबस क्या होगा। चलिए दोस्तों आकर देखते हैं कि क्या उसका सिलेबस होगा। देखिए फ्रेंड्स, जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो एग्जाम है यूपी ट्रिपल एससी पीटी, मतलब उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन, इसमें जो टाइम अवधि है ये 2 घंटे की है और हर मार्क्स 1 मार्क्स का होगा, और आपके हर गलत प्रश्न पर उत्तर देने पर 1/4 यानी 0.525 की कटौती कर दी जाएगी। 1 मार्क्स आपको हर सही के और गलत के आपको 0.25 की कटौती कर दी जाएगी, ठीक है ना। सिलेबस ज्यादा मार्क्स कंटेनिंग नहीं कर रहा है, लेकिन आपको ज्यादा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन आपका अगर पहले से तैयारी चल रही है तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें बहुत ही कम टाइम मिला है। जैसे मैथ की प्रैक्टिस आपको, रीजनिंग की प्रैक्टिस मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी, बाकी सबके नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। देखिए जैसे हिस्ट्री यहाँ पर जो है, जिसको हम बोलेंगे इतिहास, ये 5 मार्क्स का कंटेन हो रहा है, ठीक है। अगला जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये भी सिर्फ 5 मार्क्स को कवर कर रहा है, ठीक है। ज्योग्राफी 5 मार्क्स को कवर कर रहा है। इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था 5 मार्क्स की आ रही है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन भी 5 मार्क्स का है। जनरल साइंस, जिसको हम सामान्य विज्ञान के नाम से जानते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 5 मार्क्स की है। सभी के प्रत्येक के एक 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 मार्क्स होंगे, ऑब्वियसली बात है, तभी वो 100 क्वेश्चन कंटेन कर पाएगा, ठीक है ना। अर्थमैटिक यानी प्रारंभिक गणित, जिसमें उसने लिखा था, वो अंकगणित भी 5 मार्क्स की। ये सिलेबस मेरे आपको पूरे चैनल पे मिल जाएगा पूरा। अभी आने वाले 5-7 दिनों में सब कुछ अपलोड कर दूंगा, जितना आपको पढ़ना है बस उसी कंटेंट को आप पढ़ के चले जाइए, आपका अर्थमैटिक बिल्कुल भी नहीं फंसेगा, मेरी गारंटी है। जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी 5 मार्क्स की है, और यहाँ जनरल इंग्लिश भी सामान्य अंग्रेजी की है। दोस्तों ये सिलेबस, ये आपके 9 सब्जेक्ट यहाँ पे कवर होंगे। अब आपके मन में आ रहा होगा कि इसके अंदर क्या क्या सिलेबस है, तो आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो उसमें देखना होगा, जिसमें मैं आपको सारे के अंदर, मतलब इतिहास के अंदर क्या टॉपिक पूछे जा रहे हैं, और इंडियन नेशनल मूवमेंट्स के अंदर क्या टॉपिक पूछे जा रहे हैं, लॉजिकल रीजनिंग में क्या टॉपिक पूछे जा रहे हैं, वो सब मैं उसमें बताऊंगा आपको, ठीक है ना। और मैं आपको फिर से बताता हूँ, जैसे मैंने बोल रखा है, मैथमेटिक और लॉजिकल रीजनिंग आपको पूरी पूरी जितनी मैं पढ़ाऊंगा बस आप उतनी ही पढ़ के जाइएगा, आपका काम वहां पे हो जाएगा। यहाँ तक मैंने कवर करा था जनरल इंग्लिश का, उसके बाद देखिएगा लॉजिकल रीजनिंग, जिसको हम तर्क शक्ति बोलते हैं, ये भी 5 मार्क्स की आ रही है, और सम समय की यानी करंट अफेयर 10 मार्क्स की है, यानी वो चाहते हैं कि आपकी अवेयरनेस ज्यादा हो। जनरल करंट अफेयर से यहाँ पर देखिएगा 10 मार्क्स की ये कंटेनिंग कर रही है, मार्क्स को बढ़ा रही है। अनसीन पैसेज, यानी आप पढ़े गद्यांश, आपको एक पद्यांश मिलता है ऊपर पढ़ करके, गद्य पद, शायद गद्य का ही होगा, गद्यांश है इसलिए गद्य का होगा, जिसको हम बोलते हैं प्रोज। प्रोज से आपको मिलेगा क्वेश्चंस, उसमें आपको नीचे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको बताने होंगे उससे रिलेटेड। ग्राफ, जिसको हम बोलते हैं ग्राफ इंटरप्रिटेशन, जिसको हम बोलेंगे ग्राफ व्याख्या, वो भी आपको मिलेगी, ठीक है ना। टेबल इंटरप्रिटेशन जो है वो भी आपको मिलेगी, वो भी 10 मार्क्स की होगी आपकी। और लास्ट को है जनरल अवेयरनेस, जिसको हम बोलेंगे सामान्य जागरूकता, इंटरनेशनल अवेयर से आना है, और आपके क्या बोलते हैं, ये आपके बॉर्डर्स क्या हैं, रिवर्स, ये सब इसी में कंटेंट्स हो जाएंगी। ज्योग्राफी का रिलेटेड होता है थोड़ा बहुत, ये सब कुछ कवर करता है, ये 10 मार्क्स ही पूछे जाएंगे। अगर आप काउंट करेंगे मेरे बच्चों, तो यहाँ पर ये देखिएगा 5, 10, 15, 20, 25, 30,
35, 40, 45, 50 यहाँ तक ये 10 जो है सिलेबस में लॉजिकल रीजनिंग तक ये 50 कवर करना है, 60, 70, 80, 90 और ये 100 यहाँ तक ये 100 मार्क्स का आपका, यानी टोटल जो पूर्णांक होगा यानी जो पूरा हमारा टोटल मार्क्स होगा वो 100 को कवर करेगा, ठीक है 100 मार्क्स को कवर करेगा। अब बात आती है आपको कैसे पढ़ना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, इसके लिए आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा और आज से शुरुआत हो गई है, मैं आपको फिर से चालू कर रहा हूँ आपका और ये कंटिन्यू रहेगा, तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहें और हाँ पढ़े जरूर, ये सब काम आएगा, तब तक मिलते हैं, गुड लक, बाय बाय।